Hi, this is Mohsen Mukherjee and welcome to my YouTube channel, I Love Electrical Engineering. Today, we will discuss on Buchholz relay. Buchholz relay क्या है, कहां लगता है, कैसे ऑपरेट होता है. Today, I will discuss everything about Buchholz relay. So, Buchholz relay generally used होता है transformer में. कौन सा transformer? Generally, 750 kVA का, higher rating का, कोई भी transformer used होता है Buchholz relay. इसलिए यूज होता है कि ट्रांसफॉर्मर का कोई इंटरनल फॉल्ट को अलार्म एंड ट्रिपिंग के लिए कि पहले कोई इंटरनल फॉल्ट होगा तो इसका अलार्म देगा फिर उसके बाद ट्रिपिंग कराएगा. 750 kVA का ऊपर ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज होता है. ये लगता कहाँ है? सपोज दिस इज द ट्रांसफॉर्मर मेन टेन एंड दिस इज द कंजर्वेटर. ट्रांसफॉर्मर से कॉन्जर्वेटर का जो ज्वाइन होता है सर्टेन एंगल में रहता है. ट्रांसफॉर्मर से कॉन्जर्वेटर टैंक जो पाइप का जो ज्वाइन होता है सर्टेन एंगल में रहता है, इसी का मिडिल पोर्शन में और Buchholz relay टकता है. तो Buchholz relay इंस्टॉल होता है अबाउट 750 kVA ट्रांसफॉर्मर में बिटवीन मेन टैंक एंड कॉन्जर्वेटर टैंक. अभी देखता हूँ उसके अंदर क्या रहता है, Buchholz relay के अंदर क्या रहता है, कैसा पार्ट होता है. तो Buchholz relay के अंदर बेसिकली दो हिंज रहता है, दैट इज वन हिंज एंड दैट इज वन हिंज. ये दोनों हिंज के साथ दो फ्लोट स्विच रहता है. दिस इज वन फ्लोट स्विच एंड दिस इज वन फ्लोट स्विच. दिस इज वन फ्लोट स्विच एंड दिस इज वन अदर फ्लोट स्विच. फ्लोट स्विच के साथ एक मार्करी फ्लोट स्विच कनेक्ट रहता है दोनों फ्लोट के साथ. दोनों फ्लोट के साथ दो मार्करी फ्लोट स्विच कनेक्ट करते हैं. फ्लोट स्विच जनरली एक एंगल में अलाइनमेंट रहता है. क्या रहता है? सपोज दिस इज द एक एंगल में फ्लोट स्विच कनेक्ट करते हैं, इसके अंदर मार्करी रहता है इस लेवल पे, दैट इज मार्करी. इसका एक कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया ये, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट हो गया ये. एक जब बेन से स्ट्रेट हो जाएगा, जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तब क्या होगा, मार्करी नीचे पूरा फैला जाएगा, मार्करी इस लेवल में आ जाएगा. अब एक कॉन्टेक्ट और एक कॉन्टेक्ट ये एनो में था, ये दोनों एनसी हो जाएगी. मार्करी फ्लोट स्विच जब बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में Buchholz relay के अंदर एंगल में सम एंगल में लाइन रहता है तो उस टाइम मार्करी एक साइड रहता है तो एनो कॉन्टैक्ट बने रहता है. जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो मार्करी स्ट्रेट लेवल में आ जाएगा, दोनों कॉन्टैक्ट को एनसी बना देगा. यही बेसिकली फ्लोट मार्करी स्विच का काम है. तो ऊपर में एक फ्लोट है, नीचे एक फ्लोट है, दोनों फ्लोट दोनों हिंज के साथ कनेक्ट रहता है, दोनों फ्लोट के साथ दो मार्करी स्विच रहता है. अभी क्या होता है, ये मार्करी स्विच का दो पॉइंट रहता है अलार्म सर्किट में, Buchholz relay अलार्म सर्किट में. और नीचे वाला जो फ्लोट स्विच है, नीचे वाला फ्लोट स्विच का दो कॉन्टेक्ट जो है मार्करी फ्लोट स्विच का दो कॉन्टेक्ट है जाता है Buchholz relay ट्रिप सर्किट में. ऊपर वाला जाता है अलार्म सर्किट में, नीचे वाला जाता है ट्रिप सर्किट में. अभी देखूंगा कैसे ऑपरेट होता है. इसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं रहता है, दिस टाइप ऑफ दो फ्लोट स्विच एंड दो एक्चुएटर दोनों हिंज के साथ कनेक्ट रहता है. नाउ वी विल सी हाउ टू ऑपरेट Buchholz relay. सपोज ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई फॉल्ट ओकर हुआ, किस टाइप का फॉल्ट, सपोज इंसुलेशन डैमेज और इंटरनल शॉर्ट सर्किट और कोर और विंडिंग हीटिंग, कोई भी इंटरनल फॉल्ट होगा तब क्या होगा, इंसुलेटिंग जो वेल रहता है ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक एंड कॉन्जर्वेटर टैंक के अंदर जो इंसुलेटर वेल रहता है ये हीटिंग हो जाएगा, इसका हीट बढ़ते जाएगा. जब इसका हीट बढ़ते जाएगा तो इसके अंदर जो इंसुलेटिंग वेल है डिकम्पोज हो जाएगा. तो जब डिकम्पोज हो जाएगा हीटिंग की वजह से ट्रांसफॉर्मर का वेल, तब इसमें कार्बन मोनोक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट करेगा. किस टाइप का कार्बन मोनोक्साइड गैसेस, लाइक सीओ कार्बन मोनोक्साइड, सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस टाइप का गैस प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा. तो गैस क्या होता है, गैस वेल से वेट में वेट होता है, गैस जनरली लाइट वेट होता है कंपेयर टू वेल. तो क्या वो ऊपर में जाने का ट्राई करेगा थ्रू मेन टैंक से Buchholz relay होकर कंजर्वेटर टैंक में जाएगा. अभी जब ये गैस का बबल मान के जब ये Buchholz relay के अंदर आएगा इसका ऊपर साइड चले जाएगा, इसका ऊपर साइड जाने लगेगा. जब लो गैस प्रोड्यूस होगा, जब कम क्वांटिटी का गैस प्रोड्यूस होगा, जब एक गैस मेन टैंक से उतार के Buchholz relay के अंदर आएगा वो ऊपर का तरफ जाने लगेगा. तो ऊपर गैस जम, गैस का बबल्स जम रहेगा,
तो गैस का बबल जम जाएगा। जब ऊपर में गैस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो मैं फोर्थ स्विच को क्या करेगा, फोर्थ स्विच को प्रेशर करके स्टेट कर देगा। जब फोर्थ स्विच को प्रेशर करके स्टेट कर देगा, ये जो हमारा मार्करी स्विच था ये मार्करी कनेक्ट हो जाएगा दोनों कॉन्टैक्ट में, कॉन्टैक्ट एनसी हो जाएगा। ये तो हमारा कंट्रोल पैनल में अलार्म देना स्टार्ट करेगा, देखो इंटरनल फॉल्ट हुआ बुको सिले से अलार्म देना स्टार्ट करेगा। दैट मींस जो है मिनिमम फॉल्ट होगा, जब ज्यादा गैस प्रोड्यूस नहीं होता है तो लाइट गैस प्रोड्यूस होता है तो ऊपर वाला को प्रेशर करके स्टेट कर देगा, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट था वो एनसी हो जाएगा यानी सर्किट में अलार्म देना स्टार्ट करेगा। नाउ तो और भी ज्यादा हीट होने लगेगा, जब और भी ज्यादा हीट होगा और भी मास प्रोडक्शन होने लगेगा गैस का, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का गैस का जो मास प्रोडक्शन होगा ये डायरेक्ट फ्लो होना स्टार्ट करेगा इस साइड। जब इसमें डायरेक्ट स्टार्ट होकर ये कंजर्वेटर टैंक में जाना स्टार्ट करेगा, जब स्टार्ट करेगा नीचे से इसको प्रेशर करेगा, जब नीचे से इसको प्रेशर करेगा ये वाला फ्लोट स्विच भी स्टेट हो जाएगा। नीचे वाला फ्लोट स्विच थोड़ा इसी एंगल में इंक्लाइन था वो अभी स्टेट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो मार्कर स्विच था उसका भी एनो एनसी हो जाएगा और ट्रिप सर्किट वो ट्रिप सर्किट पे एनसी कर देगा, तो ट्रिपिंग सर्किट कॉन्स्टेंट पर ट्रिपिंग कर देगा। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बुकोल सिले। तो बुकोल सिले वन सेकंड आई एम रिपीटिंग, बुकोल सिले इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर 750 केवी एंड मोर कैपेसिटी बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, थोड़ा कॉस्टली होता है तो छोटा ट्रांसफॉर्मर जो है डीटीआर में 500 केवी तक बिना भूगोल सिले में काम हो जाता है, 750 केवीएन एवं ट्रांसफॉर्मर में भूगोल से लगता है। ये लगता है बिटवीन मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक, ये दोनों टैंक का बीच में एंड सर्टेन एंगल में भूगोल से लगता है। भूगोल सिले में दो मीन्स के साथ दो फ्लोट स्विच टाइम लगता है, दो फ्लोट स्विच में दो मार्करी फ्लोट स्विच रहता है, जनरल कंडीशन में इनो रहता है। जब कोई इंटरनल फॉल्ट होता है गैस का बबल टाइम स्टार्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबल होना सकता है, जब ऊपर से बबल जाएगा इसको फ्लोट स्विच को एनो को एनसी कर देगा, ट्रिपिंग अलार्म सर्किट को अलार्म देगा। जब ज्यादा मास गैस प्रोड्यूस होगा नीचे वाला मार्करी फ्लोट स्विच को भी एनो से एनसी कर देगा, ट्रिपिंग सर्किट में कमांड जाएगा, सर्किट को ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा, इसको ट्रांसफार्मर को फॉल्ट से प्रोटेक्शन करेगा। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बुकोल सिले।